विश्व में कोरोना ने कहर बरसाना फिर से शुरू कर दिया है। बांग्लादेश में भी कोरोना पीक पर चल रहा है। देश में बड़ी संख्या में लोग कोरोना की चपेट में हैं। बांग्लादेश में कोरोना वायरस संक्रमण के 6,469 नए मामले सामने आए, जो पिछले साल मार्च में कोरोना शुरू होने के बाद 2021 में एक दिन की सबसे ज्यादा बड़ी संख्या है। देश में संक्रमित लोगों की कुल संख्या बढ़कर 6,17,764 हो गई है। कोरोना से यहां पर हजारों लोगों की जानें भी जा चुकी है। पिछले साल कुछ समय में कोरोना महामारी यहां आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है। कोरोना की रफ्तार रोकने के लिए बांग्लादेश की शेख हसीना सरकार ने लॉकडाउन लगाने का फैसला लिया है। 5 अप्रैल यानी रविवार से देश में लॉकडाउन लगाया जाएगा। दोस्तों, देश में कोरोना के मामले में लगातार हो रही बढ़ोतरी को लेकर प्रधानमंत्री शेख हसीना ने संसद में एक बयान दिया और लोगों से ज्यादा सावधानी बरतने की अपील की। उन्होंने कहा, हमें स्थिति को नियंत्रण में लाना होगा। हम वायरस पर काबू की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उस पर काबू के लिए लोगों की और से मदद की जरूरत है। बता दें कि बांग्लादेश में कार्यालयों में कर्मचारियों की उपस्थिति 50% रहेगी, जबकि सभी धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक और अन्य समारोहों पर पूरी तरीके से रोक लगा दी गई है।